चलिए बेटा, अब एक चीज और देखो, आप लोग ग्राफ का क्वेश्चन देख लो जरा, ग्राफ का क्वेश्चन बेटा दो ना, बहुत पढ़ाना है, जल्दी जल्दी करो। ठीक है सर, ये तो हुआ, हमको कम वक्त में पूरा, कम से कम एटलीस्ट सारे टॉपिक को टच करना होता है, ठीक है, इसको आपको भी ध्यान में रखना। उसका मैं क्लू बता दूंगा तो उससे फायदा ही होगा कि 100% क्वेश्चन तो आपके रहेंगे भाई, इसमें कोई दो रहने का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा। अब रहा के उसमें कवर करना है, मुझे एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट बता दें। जल्दी से ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आप ग्रीन लीजिए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, फटाफट बेटा लिखते चलो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ समझना होगा हम समझ लेंगे। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, कौन सा ग्राफ बच्चों? हाँ बेटा, इसे हम लोग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कहते हैं, तो इसे बोल सकते हैं आइसोकोरिक ग्राफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोकोरिक ग्राफ, यस सर बोल सकते हैं सर आराम से। तो बेटा आइसोकोरिक ग्राफ इसलिए कहा गया कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, और अब आप देखिए, आप खुद से आपने देखा था कि प्रेशर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो जब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपका रिलेशन अगर हम बोले कि इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, तो क्या आएगा बेटा? कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, एग्जैक्टली राइट, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, ये ए है, ये बी गैस है और ये सी गैस है। अच्छा एक बात और शायद मैंने बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू, जब आप करोगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा और ये टेम्परेचर हो जाएगा। याद आ रहा है आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी बराबर एन आर टी, पी हटेगा यहाँ से तो बाई एन आ जाएगा, बोलो। और बेटा टेम्परेचर के बीच तो बात हो ही रही है, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एन आर टी, नीचे क्या आ जाएगा? बी, बी के बराबर हो जाएगा, राइट। कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ पर? चलिए तो ये बताइए आप, क्या आपका के इक्वल्स टू एन आर अपॉन वी लिख सकता हूँ क्या? पक्का? ओके एक बात और बता दो आप, चलते चलते आपने लिखा कि सर जी पी बराबर के इंटू टी होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं वाई इक्वल टू एमएक्स? बोलो नहीं जानते तो जानो आज। अब ये वाला देखो, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को एम के साथ रखोगे तभी निकलेगा, लेकिन एक्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोलो यार। यस सर। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पर इसके जगह पे आपने डी रखा, इसके जगह पे एम रखा, और एम जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, बोलो। तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका के ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि उसका एम क्या है वही ज्यादा होगा, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एक बात बताओ यार, अगर हम तुमसे सवाल पूछ दें कि बेटा किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? वॉल्यूम किसका ज्यादा है ए बी सी में? एग्जैक्टली 100%, बोलो। तो बेटा इसका, जिसका थीटा कम हो जिसका एम कम हो वही होगा ना, उसको उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे थीटा नहीं, जिसका थीटा ज्यादा है यहाँ पर उसका वॉल्यूम कम है। देखो यहाँ पे के, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे तुम? ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि इनवर्सली रिलेटेड है? तो अगर के घटेगा तो भी बढ़ेगा ना। तो के घटेगा कहाँ पर? यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बढ़ गया, बोलो। इसका मतलब हुआ बेटा कि ये वाला जो ये देख रहे हो, इसका बी सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा? सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, बोलो, क्योंकि के उसका सबसे ज्यादा है। अरे सीख रहे हो आप लोग क्या? कोई जरूरी नहीं है, मैं तरीका समझा रहा हूँ, आप इसको सीख लो, एग्जाम में इक्वेशन कैसे रिलेट किया जाता है, राइट। और इसलिए आपका आंसर क्या होगा बेटा, अगर वॉल्यूम की बात कर ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, तो आंसर कौन बताएगा? सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? जिसका थीटा कम होगा। सो द आंसर इज सी, इसके बाद बी, इसके बाद ए, बेटा ये क्वेश्चन रहेगा, राइट, क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे।
एक बुक मार्केट में आई है, मैंने कंपनी वाले से मैं मिला नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने देखा था, एरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। किसकी? एरिहंत की एक बुक है जो क्रैश कोर्स के नाम से है। किसके नाम से बेटा? 40 डेज करके होगी। क्या होगी? 40 डेज। उसमें बड़ा अच्छा सारी चीज़ें शॉर्ट में रिविजन के लिए बहुत अच्छी दी हुई है, राइट? तो आप उसे चाहो तो ले सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चन जरूर बनाना। और उससे इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया था, शायद भूल गया आप लोग, कौन सी बुक पढ़नी है? एनसीईआरटी। मेन चीज मत डिलीट करो, समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा, एनसीईआरटी तभी से पढ़ना है, एक एक लाइन, जितना टाइम हो इसको यूज़ कर लो, कामयाब हो जाओगे। चलो यही उम्र है पढ़ने का, मेहनत करने का, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा नहीं, बहुत सारा मामला होता है आगे। तो आगे ध्यान देते हैं हम लोग, अगला टॉपिक आगे प्रोसीड करते हैं। और जल्दी से हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में, लिखिए कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। कंबाइंड गैस इक्वेशन की बात कर ले हम लोग, तो आप एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से। इट इज ऑब्टेंड, ये प्राप्त होता है ना, इट इज ऑब्टेंड बाय द एडिशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एंड क्या बेटे? चार्ल्स लॉ। यस, उससे जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। आइए बोर्ड पे देखते हैं, क्या आप सबको मालूम है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जब हम लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए मुझे? बॉयल्स लॉ का इक्वेशन कितने लोगों को मालूम है? सर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होता है डियर? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मैं लिख सकता हूँ सर, दोनों को कंबाइन करने पे वे इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पी। सो आई कैन राइट पी वी बराबर इज प्रोपोर्शनल टू टी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताओ भैया। नो सर। तो ये आपका आ गया पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। क्या मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? So I can write PV by T equal to constant, बोलो। इसी को बोला जाता है combined gas equation, and this becomes P1V1 by T1 is equal to V2V2 by T2, am I right? चलो भैया देखो, this is called combined gas equation also. क्वेश्चन लिखे तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। लिखिए, इन अ कंटेनर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्लेस्ड, इन अ कंटेनर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्लेस्ड एट क्या चीज कॉन्स्टेंट होगा? ना प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ना ही वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो क्या चीज कॉन्स्टेंट होगा? अमाउंट। इन अ कंटेनर क्या लिखा आपने? प्लेस
एट कांस्टेंट अमाउंट, एट कांस्टेंट अमाउंट माने मोल एंड प्रेशर इज, एंड प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब, जानते हो कैसे लिखते हैं, बताया था ना, डेसीमीटर क्यूब, एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर कितना हमारा 27, इसमें क्या बोला मैंने, डेसीमीटर क्यूब और 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक काम करेंगे, कैलकुलेट, लिखो कैलकुलेट, लाइक कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, देखना क्वेश्चन जरा ध्यान से, कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन प्रेशर becomes, when pressure becomes, अब तुम लोग को दिमाग लगाना है यहाँ पे, 760 mmHg and temperature becomes double of its initial value, double of its क्या initial value, वैल्यू जो शुरू में वैल्यू था टेम्परेचर का उसका डबल कर दिया, समझ आया। अब तुम लोग जरा गौर से पढ़ के बताओ यहाँ पे लॉ कौन सा लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बदल गया, प्रेशर भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया, बोलो हाँ कंबाइंड, कैसे पता चला बेटा आप लोग, क्योंकि तीनों चीजें डिफरेंट है, सिर्फ मास कॉन्स्टेंट है, राइट, ये लिख चुके थे आप बच्चों, लिख लिए थे इसको, बस देखते चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो बना के दिखा दो, तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ाया, पढ़ के बताओ, पढ़ लिया नहीं, पढ़ लिया भाई, क्या बोल रहे हैं, पक्का सबका आ गया क्या, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, चलो बताओ P1 कितना था हमारे पास, कितना, और वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब, बहुत अच्छा, लीटर लिख दो, और बेटा आगे टेम्परेचर कितना है बच्चों, 27, तो 300 केल्विन हो गया, अब चलो हटा दो, पूछना क्या था हमें, P2 पूछा जा रहा है, P2 कितना दिया हुआ भाई साहब, 180 mm, वेरी गुड, 760 है ना बच्चों, बस हो गया मामला, और T2 कितना था, डबल का मतलब क्या होता है, सही है, डबल का मतलब क्या था, एक मिनट रुक जा, पहले डबल का मतलब ये नहीं हुआ, अगर इसमें बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में दिया हुआ है पढ़िए, सेल्सियस में है या केल्विन में, सामने इनिशियल वैल्यू सेल्सियस वाले को जब डबल करेंगे तो कितना आएगा, 50, तो गड़बड़ हो गया ना, आप लोग किस पे बनाए होंगे, आप लोग 600 कर दिए होंगे, 300 का डबल 600 हो गया, मजे आ गए, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैंने कहा जो डाटा इनिशियली गिवन है उसका डबल किया,
अरे बोलो यार। यस सर। अगर हमें ऐसे लिखना होता ना 600 तो मैं बोलता कि इट इज डबल इन एब्सोल्यूट। समझ में आया नहीं आया? क्या लिखा होता? इट इज डबल इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो तुम समझ जाते हो ओके 600 लेना है। क्या लेना है बोलो? तो क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान है या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? पूरा 99% बच्चे मैं समझता हूँ कि गलत ही बनाया होंगे, मेरे को छोड़ के। तो चलो आगे बढ़ते। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, गलती क्या हो गई हमारी बोलो बच्चों? 54 प्लस 270। अब आपको सॉल्व करना है और बाकी आप जानते हो तो आंसर क्या होगा बता दो। इसको जोड़ दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा 2, 4, 3, 7 हो जाएगा, 7, 5, 12 और ये 327 केल्विन हो जाएगा बेटा। अब इसको आप फॉर्मूले में P1 by T1 = P2 by T2 यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना? चलो जल्दी करो, बहुत अच्छा। अब हम जल्दी से आ जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, लिख लो। बहुत अच्छा सवाल रहा। एक छोटा सा सवाल और दे दूँ आप लोग? चलिए लिखिए फिर बताता हूँ। क्वेश्चन बनाओगे दिमाग कभी खुलेगा, याद रखना। उतारने के लिए नहीं आया तुमको, समझो। अब हम आपसे बात करेंगे एक इक्वेशन की जिसका नाम है आइडियल गैस। लिखिए फटाफट आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हेडिंग दे दिया। इसके बारे में दो लाइन लिख लीजिए। इट इज ऑब्टेंड व्हेन, इट इज ऑब्टेंड व्हेन, इट इज क्या बच्चों? व्हेन बॉयल्स लॉ। क्या हेडिंग दिया? कॉमा, यस चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ व्हेन कंबाइंड टुगेदर। आगे होगा समझ में? व्हेन क्या बच्चों? कंबाइन टुगेदर। व्हेन क्या? टुगेदर। समझ में आ गया? उससे कौन सा इक्वेशन मिलता है? बहुत बढ़िया। तो बेटा जल्दी से आ जाओ। अभी मैंने बताया था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा था हम लोगों ने? पी इज इक्वल टू बी। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू टी। और एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू एन। हम इसको अरेंज कर कैसे लिख सकते हैं कि सर वी इज इक्वल टू पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये यहाँ ले आओ। क्या मैं लिख सकता हूँ? पी वी प्रोपोर्शनल टू एन टी। कोई दिक्कत नहीं है। सो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है? और ये क्या हो गया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यार। ये फर्स्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पी वी बराबर आर एन टी। चलिए हम आगे बात करेंगे अब आपसे। दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे हम आर की यूनिट की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। तो आर बराबर पी वी बाई क्या हो जाएगा? एन टी। प्रेशर की यूनिट क्या होती है जी? अभी हम लोग एटमोसफेयर ले लेते हैं। वॉल्यूम की लीटर। ये क्या हो जाएगा? एन। टेम्परेचर की कैल्विन। क्या हो जाएगा? ये लीटर एटमोसफेयर बोलो पर मोल पर केल्विन। यही है ना रफली। अब हम वैल्यू की बात करते हैं, आर के वैल्यू की। आर के वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है? कंडीशन लगा के हम एक बात करते हैं और जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो 22.4 लीटर पे निकालेंगे एसटीपी कंडीशन पे। किस पे? एसटीपी। तो जब हम एसटीपी पर निकालते हैं वैल्यू, एसटीपी पर, तो इसके वैल्यू अलग अलग ढंग से आते हैं और ये मुझे आपको सिखाना है। एसटीपी किसे कहा जाता है याद है किसी लोग? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। वो कितना होता है? टेम्परेचर कितना लेंगे लड़की? 25 या 0 डिग्री? 0 लेंगे यार, 25 कहाँ से लेंगे। प्रेशर कितना लेंगे? 1 एटमॉस्फेयर बोलो। अब वॉल्यूम कितना लोगे? 4 लीटर बोलो यार। और बेटा मोल कितना लोगे? 1 मोल लोगे। आगे समझ में? तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो पहला रिलेशन हमें आके मिलेगा 0.082, राइट? यहाँ आएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। एक मिनट रुक जाना जरा साहब, एक मिनट रुक जाओ। खाली वर्क को
हम लोग लिखते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या मैं लिख सकता हूँ कि वर्क बराबर पी इंटू वी होता है? अच्छा, कितने लोगों को वर्क का फॉर्मूला मालूम है बताओ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू लेंथ, यही होगा ना? बोलो यस सर। यार पढ़ा करो सबको, देखो कमजोर कोई नहीं है, जो तुम हमारे सामने बैठे हो ना, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कमजोर है। उसका रीजन जानते हो क्या है? यू आर नॉट डिफेक्टेड, यू आर इन्फेक्टेड। यू आर नॉट डिफेक्टेड, डिफेक्ट तो उस वक्त होता जिसको इंसान बनाता है, जिसको भगवान ने बनाया है वो तो भाई प्योर में प्योर है ना, बोलो। तो तुम भी प्योर हो, हम भी प्योर हैं, हम लोग इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड कैसे होता है आदमी मालूम है? बीमारी कहाँ से होती जी? अरे सराउंडिंग से बोल रहे यार। तो सराउंडिंग से हम लोग इन्फेक्टेड हो गए, हम राइट? तो ये मत सोचो कि मैं कमजोर हुआ मेरे को, तुम लोग कमजोर अपने बिहेवियर से हुए थे या किसी वजह से सराउंडिंग ने कर दिया था। तो प्लीज यूज कीजिए अपने टाइम का तमीज से, सबको आता है सब कुछ, थोड़ा ध्यान देने का है, घर पे इंटरेस्ट लेने का है। अब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा जो साल में फ्री में कोचिंग चल रही है, अभी आके बैठे और आप घर पे पढ़िए नहीं और ऐसे मजे लीजिए जाइए, तो भैया वैसे ही चला जाए। और अगर आपने इसको कैश कर लिया कि यार जो भी गुरुजी मिल रहा है उससे कुछ फ़ायदा उठाया जाए, मैंने उनसे बातें करें, उनसे क्वेश्चन बनाए, जो बता रहे हैं उनकी बात समझें, घर पे थोड़ा एफर्ट करें, तो रिजल्ट तो होना है। कोई जरूरी सबके सब डॉक्टर ही बन जाओ आज। अरे कुछ कह रहा हूँ मैं क्या? कुछ तो बनोगे ना? अरे कुछ तो बनोगे ही, तो उसी बनने में थोड़ा सा सोच लोगे तो अच्छा बन जाओगे। बोलो यस, इट डिपेंड्स अपन यू। बनना तो आइए भाई, मेहनत करो अच्छे से तो गाड़ी सेट हो जाएगी हमारी, ठीक है बेटे? तो अरेंज करो अपने आप को, चीजों को समझो प्लीज, हल्के में मत लेना, जो जितना लाइट लेगा उसको उतना नुकसान होने वाला है। तो लीटर एटमॉस्फेयर को, यहाँ पे प्रेशर को होता है फोर्स अपन एरिया, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू एल, तो ए कट गया या फिर इनटू एल आया कि नहीं आया, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं बीबी को वर्क। बोलो नहीं आया समझ में यार? जब हम इतना जान गए तो बात खत्म करो। लीटर एटमॉस्फेयर ये तो इसके टर्म में था, लेकिन वर्क की यूनिट तो जूल होती है, अर्ध होती है। बोलो पढ़ा ना ऐसा ही नहीं? Yes, ये तो दिख ही नहीं रहा सर, दूर दूर तक तो दिख रहा है और यहीं पे न्यूमेरिकल आता है। तो सुनिए अब हमारी बात, जब आप इस लेटर एटमॉस्फेयर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है? तो वैल्यू बदल जाएगी इसकी, है ना बेटा? मैं बताऊंगा कैसे। बट आपको यहाँ पे आज मेडिकल का एग्जाम देना है तो इट्स अ वेरी ट्रिक, इस कम वक्त में आप हम मेन मेन चीजों को याद कर लें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले डायरेक्ट बताऊंगा जो आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज करोगे एंड यू कैन एंजॉय। लेकिन मेरा फिर रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे मैंने कुछ बात आप लोगों को बता दूं, मैं सोचा था कि बताऊंगा आप लोगों को लेकिन आज याद आ गया। बेटा एक बात सुन लो सबको, कम से कम आईआईटी जेई और नीट का कम से कम 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 12 क्वेश्चन आप आसानी से कैसे क्रैक करोगे, आप आसानी से कैसे बनाओगे, ये राज सुन लो तुम लोग, नहीं यकीन है इंप्लीमेंट करके देखना। आपको एक काम करना है, मैंने हाथ की तरफ देखिए और आप लोग अपने कॉपी में पीछे कहीं पर लिख लीजिए, बायो मॉलिक्यूल्स में लिखना हूँ यहाँ पे सबको, बायो मॉलिक्यूल्स है दो क्वेश्चन 100% आना है, पॉलीमर नाम सुना था आपको? Yes, एक क्वेश्चन 100%, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ा ना बेटा? Yes, दो क्वेश्चन ध्यान से बेटा बता रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ, आप हल्के में मत लेना, लोगे तो तुम्हारा नुकसान तुम्हारा फायदा है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पे सब लोग हो क्या? बॉयज गर्ल्स में, गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा, बॉयज का अलग होगा, कि सबका कॉमन है? अलग है। तो आप गर्ल्स वाला में मतलब मेरे से ऐड हो जाना, ठीक है? बॉयज वाले में तुम लोग का ऐड ही हो, लिंक हो ना? तो हम आपको कुछ कुछ सपोर्टिव चीजें सेंड करते रहेंगे। नहीं समझ रहे हमारी बात? देखो गुरु जो जहाँ से तुम देखना खत्म करते हो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो फर्क तो है ही, उठा लो जल्दी से उठाए काम खत्म करो। समझ में आया नहीं आया बेटा? सो इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा, राइट? नहीं समझे हमारी बात? तो जो कंटेंट मिलेगा उस कंटेंट को आप तैयार करते चलना। आई विल हेल्प यू टिल योर एग्जामिनेशन। और मैं दोबारा कहूँगा आपको कि पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा एक एक लाइन, ये जो पॉइंट्स है जो मैं लिख रहा हूँ अभी ये प्योरली एनसीईआरटी, बायोमॉलिक्यूल्स का एक एक लाइन एनसीईआरटी का, एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी का, एक एक एप्लीकेशन एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी जब बहुत गौर से पढ़ोगे तो एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक में मौका मिलेगा आगे पढ़ाने का, डोंट वरी। इस ऑर्गेनिक के अंदर मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, जहां से सवाल छपा हुआ है, और मेरे पास पूरी ऑर्गेनिक 12th क्लास की पूरी ऑर्गेनिक ऑन द टिप्स इन द फोर चैप्टर फोर पेजेस,
चार पेज में पूरी ऑर्गेनिक खत्म। कोई करा देगा है औकात? करा देगा, जो टीचर मेहनत कर रहा है वो करा देगा। इट्स माई चैलेंज, करा देगा। वरना बुक तो सबको आता है लिखाने, इतनी मोटी मोटी कॉपियां तो सबको आती हैं बताने। यार कितना अच्छा लगेगा, एक टीचर आएगा बोलेगा बेटा बस तू 5 पेज पढ़ ले, आए मजे आ गए सर केमिस्ट्री में। तो ये ऐसे नहीं आएगा कि 5 पेज पढ़ ले यार, बड़ी रातों रात जगना पड़ता है। ये चश्मा रियली पावर वाला है, ऐसा नहीं है, फ्री में नहीं लगा है, बहुत डिवोट किया और कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो आई विल हेल्प यू, बहुत रिसेंटली मैं अपडेट करूँगा अपने आप को, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आप आराम से इंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ पर मालूम है? आगे मिलेगा। ऑर्गेनिक के अंदर जो सवाल आता है डियर वो सुन लो, सी हियर प्लीज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। 11th और 12th क्लास के बुक से आप लोग नाम सुने होंगे नेम ऑफ रिएक्शन का। कितने लोगों ने सुना है नाम नेम ऑफ रिएक्शन का? कैनी जारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, बार्जोलिक ऑफ रिएक्शन, रूज रिएक्शन, बोलो यार। साइलेशन, एसाइलेशन, सैंडमैन रिएक्शन, ये सब नाम सुना है? सुना है साइलेशन रिएक्शन, बोलो यार। सारी बातें एकदम रटी हुई होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, राइट। क्वेश्चन लिटरली बता रहा हूं मैं, नेम ऑफ रिएक्शन से कोई लड़का आके मुझे बता देगा सर क्वेश्चन नहीं आया था पिछले बार, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। हर साल नेम ऑफ रिएक्शन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है, ऐसे पढ़ा जाता है डियर, ऐसे पढ़ा जाता है। आइसोमेरिज्म में तुम मुझसे बोलोगे सर आप ऐसा कोई जादू बताइए कि आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन 100% टकरा जाए, मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगा, टॉटोमेरिज्म। क्या निकलेगा? अब आपकी ड्यूटी है टॉटोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा? इस तरह का टिप्स कि व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज नॉट हम आपको प्रोवाइड करते चलेंगे, राइट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आइए, तो नेम ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन फिक्स बेटा, बोलना है। यस सर। उसके बाद यहां आता है यूज से क्वेश्चन। यूज सर, यूज बोले तो हेलो अल्केन के चैप्टर से, एल्डिहाइड के चैप्टर से, कीटोन के चैप्टर से, एसिड के चैप्टर से, एनसीईआरटी के अंत में। नहीं आया समझ? एनसीईआरटी के आखिरी पेज, आखिरी चैप्टर का पेज, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी की किताब लास्ट में पलट के देखो सर इधर तो खाली लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश भर में। अब ये समझदार इंसान हर चैप्टर के अंत में जहां पे थ्योरी खत्म होती है वहां उपयोग लिखा होगा उसका, बोलो ना। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आता है, उसके स्ट्रक्चर से सब पढ़ लेना, फ्री ऑन वगैरह जितना भी दिया है, डीडीटी ये सब समझते हो ना। तो मैं जो बता रहा हूँ एरिया एरिया को घेरो पहले। दूसरी बात सुन लो, एक ही शॉट में उड़ा दूंगा जितना फिजिकल का क्वेश्चन आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट और एक ही शॉट में उड़ जाएगा पूरा। तो विद द हेल्प ऑफ नोट्स आई विल सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप, राइट। नहीं आया समझ में? ये ध्यान में रखना, वो पढ़ के जाना, उसमें क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे और आपको वो आते धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? तो इस कम वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करने का यही तरीका है ताकि आपके रिजल्ट अच्छे हो जाए, राइट। कम टू द पॉइंट, तो आप जल्दी बताएं मुझे, एक तो यूजेज ऑफ द कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेगा और एक और छूट गया, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट में है, याद आया? किसमें? 11th क्लास की दूसरी बुक के अंत में। नहीं आया समझ में? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन तुमको कम से कम, एक्चुअली और 5 के बाद ऊपर छठा सॉलिड स्टेट, नाम सुना आप लोगों ने? उसमें एक जगह आता है इंप्यूरिटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आता है ना, इस तरह स्कॉट के डिफेक्ट, एफ सेंटर, फार बेंच एंड सेंटर, बोलो बेटे। और वो भी सुना होगा आपने, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बोलो, एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर्स, यस। अरे यार सब एनसीईआरटी से आता है। तो सॉलिड स्टेट्स अगर मुझे कोई बच्चा कहेगा सर मुझे बताइए मैं क्या पढ़ूं, तो मैं उसे डायरेक्ट कहता हूं मैंने प्रोबेबिलिटी के आधार पे कि बेटा इंप्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ के चला जाए, और अच्छा करने के लिए तो बाकी पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं समझा हमारी बात? तो इंप्योरिटी डिफेक्ट्स अपना नोट कर लेना तुम लोग, क्लियर है बेटा? अरे बोलना यार। नेम ऑफ रिएक्शन से बात समझ में आ गई? तो एनसीईआरटी में जितना दिया है एक पेज उठा करके लिख लेना पूरा उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरे को क्या करना है वो तो हम आपको करते चलेंगे, बताते चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ गया? और दूसरी बात सुन लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? 101% सवाल रहता है मेडिकल से, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये नहीं मालूम होगा तो क्या करोगे तुम लोग, बोलो यार। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिंदाबाद, राइट।
और सुन लो, पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली, लिख लो ना जल्दी से बोरोन फैमिली, गुरुजी की बात लिखते चलो, बोरोन फैमिली लिख लिया क्या? और सिलिकॉन कार्बन वाले फैमिली में 14th ग्रुप में दिया हुआ है, लिखा है सिलिकॉन, जहां से तुमको मन करे वहां से पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना, जैसे जी चाहे वहां से, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेना सिलिकॉन के बारे में। इसके बारे में बेटा पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, नोट्स बना लेना घर जाके, ठीक है ना, बाकी तो हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है बेटा डिटेल में पढ़ के जाना, डिटेल में वो है फॉस्फोरस के बारे में। इसके बारे में फॉस्फोरस जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। और उसके बाद पढ़ के जाना हैलोजन फैमिली, राइट, बोलो yes, फिर पढ़ लेना घर जाके मेटलर्जी, क्या metallurgy. बस अब हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, समझ में आ गई बात? ये बर्बाद नहीं हो रहा था, आवाज हो रहा था, हाँ चुपचाप सुन रहा है सब, अच्छा सर ठीक है आगे बढ़ाओ। तो बेटे प्लीज इसको आप अच्छे से कर लेना, चलो देखो एक मिनट, जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, लिख लो GOC, पॉइंट नोट कर ले बेटा घर पे अपना या कहीं से ढूंढ ढांड के कर लेना तैयार। पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चौथा एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स कॉमा फिनॉल्स कॉमा। हम सब हेल्प करेंगे, डोंट वरी, अभी टाइम है, मैं डबल क्लास चल जाएगी तुम्हारी, डोंट वरी। एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्या बेटा, उसके बाद नीचे आ जाओ, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, क्या बेटा बेसिक नेचर ऑफ क्या, एमीन्स, बेसिक नेचर ऑफ क्या, एमीन्स, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड और कुछ मेरा अपना। उसके बाद आइसोमेरिज्म लिखो, आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ के जाना, लिख लो टॉटोमेरिज्म। उसके बाद उसी के नीचे लिख लो एक और सिस एंड ट्रांस एंड ई एन जेड फॉर, यस सिस एंड ट्रांस और क्या बेटा, बहुत अच्छा। उसके बाद उसी में पढ़ लेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लिख लिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, लिख लेना डी एन एल फॉर आर एन एस फॉर, बस डी एन एल में दो होता है, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, याद रखना एक नहीं है बेटा, और आर एन एस बस। और एक चीज और छूट गया, कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, याद आया कन्फॉर्मेशन वॉक फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म, याद आ रहा है, बस इसको नोट कर ले बेटा, बहुत बल्क इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं। और एक आखिरी चीज चलते चलते पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल में सर जी क्या पढ़ लें, सर जी आपको मालूम है इस बार ये नीट में स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आ गया था, 100 से लेके 118 तक के एलिमेंट का जो नाम है सिंथेटिक आर्टिफिशियल, उसमें 103 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका एलिमेंट नंबर 103 है, उसका साइंटिफिक नेम क्या और सिंबल क्या, लड़के नहीं बता पाए थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं बताते क्योंकि वो पढ़ता नहीं आदमी छोड़ देता है। तो आप एनसीईआरटी जिंदाबाद करके जाइए, और आप पीरियडिक टेबल में पढ़िएगा क्या मेनली वो सुन लीजिए, लिखिए पहला वेरिएशन ऑफ साइज एनायंस, साइज ऑफ एटम एनायंस, वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ एटम एनायंस, दूसरा बोलो क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है डियर, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब पढ़ना शुरू करना और साइज का, तो डी ब्लॉक को उसमें ऐड कर लेना, किसको, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक,
हम वैसे डिस्कस करते चलेंगे, डोंट वरी, आगे बताओ। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और एक और पढ़ लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिनिश, एम आई राइट? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? आपने बस सर ने पढ़ाया तो है, अच्छा भी नहीं हुआ, ओके पढ़ाएंगे अभी, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं बेटा जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। एक पढ़ना सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, कौन वाला, एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और दूसरा आप लोग पढ़ लेना बिना किसी से पूछे हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आता है, स्टेबिलिटी आता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, हमारा क्लियर है? मालूम है तुम लोग को मैंने क्या बता दिया? मैंने वो चीज बता दिया कि मैं रहूं ना रहूं ये आपको सपोर्ट करेगा, बट ऊपर वाले की दुआ से अभी रहूंगा लंबा, क्योंकि सेवा करने वाले आदमी को भगवान भी सपोर्ट करते हैं, राइट? नहीं आया समझ में? अभी हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है, एंड आई विल हेल्प यू लॉट, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आएगा। आपने जितने बच्चे हो एक शानदार क्लास आपको और मिलेगी, तो आप पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं बताता चलूंगा कैसे जोड़ना है, राइट? अभी आप लोग मेरे को ऐड कर लेना ग्रुप में और मेरे पे मैसेज कर देना फ्रॉम गर्ल्स साइड, राइट? और बॉयज तो कर ही लियो बेटा, हम दोनों को शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ देना, क्लियर है? अच्छा मैं अपना ना, जी जी ये आपने सही कहा, इसका इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे। 9760125931 और इस पर आपको कोई भी डाउट हो थ्रू व्हाट्सएप यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट? अच्छा पूरी रामायण खत्म, सीता किसकी बीवी थी पता ही नहीं चला, रे भाई इतना बड़ा अनर्थ काहे किया तूने, लो मेरा नाम लिख लो। अब ये बात पूछना ये क्या है, तो ये उससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्या है? अब्दुल रब। उर्दू है, मैं उर्दू हूँ, मेरा नाम अब्दुल रब लिखा हुआ है। हाँ देखो दिमाग ला के बोले, आता तो है नहीं पढ़ने लेकिन जानता है कि सर का नाम अब्दुल रब है, बोल दे यार। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत अच्छा, चलो आ जाओ। देखो एक बात बताएं, बहुत कोरा सच जान लो, इंसान किसी काम को करे और अंदर से खुश नहीं हो उसको करके, तो क्या कर लेगा उसके? चाहे वो घर में का हो, बाहर का हो, कहीं का हो, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ प्रेशर टेंशन किसको कहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बिल्कुल डायल्यूट करके पढ़ाते हैं। बी ऑनेस्ट, सब एक दूसरे के लिए खुश रहो, प्रेयर करो, अच्छा काम करो और आगे बढ़ते चलो, देखो कामयाब कैसे होते हो, लिटरली बता रहा हूँ। कैरेक्टर लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। रेस्पेक्ट जिसको देना है, इवन एक रिक्शा वाले को भी रेस्पेक्ट दो। तुम औरों से हट के यार, तुम लोग सोसाइटी के अलग लोग हो, तुम ये मत सोचो कि माँ है नीट का फ्री में कोचिंग करना है, नो, आप फ्यूचर के डॉक्टर हो, और नहीं हो तो तुम नहीं हो, ये भी सुन लो आज। और अगर मान लिए कि नहीं सर मैं तो हूँ, और आप भी मानते हो कि नहीं सर मैं फ्यूचर का डॉक्टर इंजीनियर, तो हो आप एक अच्छे इंसान हो, बस सौ बात की एक बात, अच्छा इंसान बनो, आगे बढ़ते चलो। रियली लिटरली बता रहा हूँ, पहले इंसान अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन होके गाड़ी आगे बढ़ेगी। दुआएं लो ना सबसे, एक थोड़ी एक गुरु जी नमस्ते आवाज आके सामने सिगरेट पी रहा है, और क्या रिस्पेक्ट है यार, यार ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं भाई, गए चाय पीने, देखो क्या स्टूडेंट है भाग गए, अब जाओ वहाँ चाय बेइज्जती कराओ। तो प्लीज आप स्मार्ट स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए, आपको टीचर सच्चे मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, जल्दी से बताइए पहला पॉइंट, आर की वैल्यू लीटर एटमोसफेयर में कितना लोगे? 0.082। देखो बोलोगे नहीं ना तो काम नहीं चलेगा, आपको पैरेलल बोलना पड़ेगा, तो पैरेलल चीजें याद होंगी, बोलो ना। और सोचो अगर हम लोग सभी बोलते हैं तो वो चीज कितना एक शानदार आवाज बन के, जब बार बार वो आवाज टकराएगी तो वो बात अपने आप याद हो जाएगी, राइट? तो आप इस बात का पूरा ख्याल रखिए। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए, आप लोग बोल करके बताना है, कोऑपरेट करना है, कि आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितनी होगी? 0.082। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है जूल में कैसे लाएंगे गुरु जी? तो जूल में लाने के लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा 25/3। अब ये लीटर एटमॉस्फेयर जूल के जगह चला जाएगा, बोलो yes, और ये बन जाएगा मोल पर मोल पर के, am I right? और यही वैल्यू क्लियर आती है सॉल्व करके 8.314 जूल पर मोल पर के। मैंने ये इसलिए बोला है कि ये फ्रैक्शन में आ जाता है, और ये 25/3 जब न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं तो इजीली कट जाता है, हमारी बात नहीं समझा आपको? अब देखिए मैं इस चैप्टर को कैसे पढ़ाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज तो अब आ रही है, तो पता चला ये आ गया। और एक लास्ट कैलोरी में बेटा ये जूल है ना, yes, एक कैलोरी में बराबर कितना जूल?
तो एक जूल बराबर 1.42 कैलोरी बोलो। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 8.314 को इनटू 1/4.2 कर दिया, क्या बन गया, कैलोरी पर मोल पर के। हमारे अंदर से ये वैल्यू लगभग लगभग 2 कैलोरी के आसपास आएगी, कैलोरी पर मोल पर के। तो आर की कितनी वैल्यू हो गई, याद रहेगा सबको, छापो जल्दी से। ये वाला लिख चुके, ये वाला, यस वेरी गुड। अब आगे अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। क्या नहीं लिखो, क्या बोल देते ना तुम लोग नहीं लिखे हैं, हमें लगा लिख लियो। अच्छा चलो, पीवी बराबर एनआरटी लिख लो और ये आर की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं है, पीवी बराबर एनआरटी लिखो, एनसीआरटी की है वो चीज। आपको साथ साथ ये भी इन्फॉर्म करता रहूंगा कि कौन सा फॉर्म कब आया, ठीक है, वो भी भरना आपको, ठीक है ना। एमए में अभी तो बीटेक का फॉर्म भरा जा रहा है, यस भरा जा रहा है, बीटेक बीटेक नहीं, शुरू तो हो गया, चेक कर लेना, क्या भरा जा रहा है देख लेना, शायद तुम लोग को नहीं मालूम अभी आया है, मैं बता दूंगा तुम लोग को। और एग्जैक्ट कल मेरे पास एक फोन आया, एक बच्चा बताया कि सर मैं बीटेक का फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया। बढ़ा जाके बच्चों, पीवी बराबर क्या, तो यहाँ पे बताओ को एम को हटाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, वेट बाई मोलर मास इनटू आरटी बोलो, और ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो गया बोलो। इधर देखो इधर पीछे बेटे, तो पी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी लिख सकता हूँ, और इधर मोलर मास लिख सकता हूँ, और इधर ऊपर में आर एन टू टी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं सर। अब बता बताओ ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, गैस कंटेनर का ये मास है, तो मास अपन वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई मास अपन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या बात है, याद रहेगा सबको, नीचे क्या लिख देंगे एम और ऊपर क्या लिख देंगे आर एन टू। तो एक बात बताओ ये इधर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर डीआरटी बोलो, इसलिए डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चले गए बोलिए और नीचे हम आरटी लगा दिए, इस रेशियो को क्या बोलेंगे, इसी को डेंसिटी ऑफ द गैस बोलेंगे हमारे। अब एक छोटी सी बात और बता दो, इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम गैस का मोलर मास फिक्स कर दें, टेम्परेचर फिक्स कर दें और आर फिक्स कर दें तो ये किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी के बोलो, नया समझ में, सो दिस इज डी बाई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलो बेटा, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमारे। तो जल्दी नोट कीजिए फिर मैं आगे बात करूँ। बच्चों yes, बहुत अच्छा।
नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेडिंग देंगे अब आप लोग यहाँ से। ये आइडियल गैस इक्वेशन था, अब आप अपने कॉपी में जल्दी से लिख लो बेटे। अगला टॉपिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्राहम्स लॉ ऑफ क्या?